अस्सलाम वालेकुम क्लास वन, क्लास वन सीनियर में आप काउंटिंग करके आए हैं तो वो जो जितनी आपने वहाँ पे काउंटिंग सीखी आज थोड़ा सा हम उसका रिवीजन करेंगे और फिर आगे तक आपको काउंटिंग करना सिखाएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि काउंटिंग की क्यों ज़रूरत होती है और काउंटिंग हम फिर किस तरह उसे पूरा आगे तक लिखना सीखेंगे हम। ठीक, काउंटिंग क्या होती है? जब आप किसी चीज को काउंट करते हैं, जैसे अब्बू अम्मी को पैसे देते हैं तो अम्मी क्या करती होंगी, काउंट करके लेती होंगी ना। इसी तरह अम्मी सौदा लेने जाती होंगी तो सौदा जब लेने जाती हैं अम्मी तो अब जो सब्जी वाला है या जो भी है जिसको भी पैसे दे रही है तो अम्मी काउंट करके देती होंगी ना। तो अगर काउंटिंग नहीं आएगी तो हम कैसे काउंट करेंगे? तो इसलिए हमने काउंटिंग सीखनी है। किस लिए सीखनी है? कि चीजों को हम काउंट कर सकें। अच्छा, यानी इसका मतलब है जो हमारी बेसिक काउंटिंग है तो क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 9 के बाद अगर आपके पास 10 बॉल्स होंगी तो उसे कैसे लिखेंगे? जब आपके पास कुछ भी नहीं होता तो आप कहते हैं नथिंग, वी हैव नथिंग, यानी जीरो। जीरो मीन नथिंग। तो जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता तो हम कहें जीरो। ठीक है, तो अब हमारे पास जब 1 के साथ 0 मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, 10। जब 1 के साथ 0 मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। ठीक है, जब 1 के साथ हम क्या मिलाएंगे, 0 मिलाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा 10। ऐसे, ठीक है, ऐसे। देखिए मैं और करीब करके आपको बताती हूँ, ये देखिए ऐसे ये बन गया 10। 1 के आगे हमने क्या लगा दिया, 0 लगा दिया तो ये बन गया 10। अब हमने ये देखना है कि ये जो 1, यानी 1 से पहले जब कुछ भी नहीं, अब यहां तो कुछ भी तस्वीर नहीं बनी हुई ना, तो इसका मतलब है 0, इसका मतलब है 0। ठीक है, इसका मतलब हुआ अब यहां कोई भी तस्वीर नहीं है तो इसका मतलब है 0। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास 1 बॉल 2 बॉल्स 3 बॉल्स 4 बॉल्स 5 बॉल्स 6 बॉल्स 7 बॉल्स 8 बॉल्स 9 बॉल्स। तो यानी 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हें हम कहते हैं यूनिट। इन सबको हम कहते हैं यूनिट, और दो नाम होते हैं इनके, यूनिट या वंस। इन्हें हम कहते हैं यूनिट या फिर दूसरा नाम वंस। जैसे आप में से भी बच्चों के दो नाम होंगे ना, किसी का स्कूल में कुछ नाम होगा, घर में कुछ और पुकारते होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से इन सबके भी क्या नाम है, एक नाम है यूनिट और दूसरा नाम है वंस। अगर कोई आपसे कहेगा 9 वंस तो आप समझ जाइए कि 9 की बात हो रही है, नंबर 9 की बात हो रही है। कोई कहेगा 9 यूनिट तो आप समझ जाइए 9 की बात हो रही है, अब भी यूनिट इसी की बात हो रही है। तो यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये क्या है, यूनिट्स। अब हम इसे एक साथ लिख के देखते हैं कि इसे कैसे लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पूरी जितनी काउंटिंग होती है बस इन्हीं से मिला मिला के बनाते हैं। अब वो फिर मैं आपको अभी बनाना सिखाऊंगी, यूं सीखेंगे जल्दी से, लेकिन जब आप तवज्जो से देखेंगे, फिर जब आप सीख लेंगे, आप स्कूल आएंगे तो फिर मैं आपको प्यार करूंगी और यूं लिपटा के, कैसे यूं लिपटा के फिर आपको प्यार करूंगी। लेकिन आपने देखना जरूर है, आपने इसे अच्छी तरह सीखना है। और देखिए जब आपका दिल चाह रहा हो ना, जब मुझे लिखता हुआ देखेंगे तो आपका दिल चाहेगा लिखने का। जब आपका दिल लिखने का चाहेगा तो आपने क्या करना है, दीवारों में नहीं लिखते, डेस्क पे नहीं लिखते, हमने बताया ना स्कूल में आपको, कहाँ लिखते हैं, अपनी कॉपी पे लिखते हैं। तो अपनी मम्मा से कहना है कि आपको एक कॉपी और पेंसिल मुस्तकिल अपनी एक अपनी डेस्क पे, या आपकी जहाँ जगह आप सब सामान रखते हो वहाँ रखा करें। जब आपका दिल चाहे भाग के जाके उसके ऊपर लिखें, कहीं दीवार पे नहीं लिखते, कभी किसी के चेहरे पे नहीं लिखते, हाथ पे नहीं लिखते, कहाँ लिखते हैं, अपनी कॉपी पर लिखते हैं। अब देखिए हमने क्या सीखा कि ये यूनिट होते हैं, हम इसे कैसे लिखते हैं, यूनिट। और दूसरा नाम मैंने क्या बताया आपको, यूनिट या वंस, वंस। ठीक है, या तो हम इसे यूनिट बोलते हैं या फिर वंस बोलते हैं। अब कहां से शुरू है वंस या यूनिट, जीरो से, जीरो
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और ये नाइन। अब देखिए जब ये नाइन तक है हमारे पास और ये आप तो स्क्वायर कॉपी में करते हैं ना तो बड़े प्यारा प्यारा सा, यहां तो मेरे पास स्क्वायर नहीं बने हुए, आपने अच्छी राइटिंग में स्क्वायर में करना है। अब आप ये देखिए कि पूरे हमारे जीरो यानी जीरो यूनिट, वन यूनिट, टू यूनिट, थ्री यूनिट, फोर यूनिट, फाइव यूनिट, सिक्स यूनिट, सेवन यूनिट, एट यूनिट, नाइन यूनिट, और नाइन के बाद यानी ये बेसिक है आपकी, ठीक है। अब उसके बाद टेन आता है, तो टेन किस तरह लिखते हैं, इस तरह लिखा हुआ होता है ना टेन हमारे पास, ये देखिए, यानी वन के साथ टेन किस तरह लिखा हुआ होता है आपके पास, ये तो इंग्लिश में लिख रही हूं ना मैं, टेन, यानी वन के आगे आप क्या लगा देते हैं, जीरो लगा देते हैं, तो ये बन जाता है टेन। क्या बन जाता है ये, टेन। वन के आगे अगर आप जीरो लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, टेन। इसी तरह अगर टू के आगे जीरो लगा देंगे तो क्या बनेगा, ट्वेंटी। क्या बन जाएगा, ट्वेंटी। जीरो के आगे ये देखिए टू के आगे जीरो लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ट्वेंटी, ठीक है। इसी तरीके से थ्री के आगे जब आप जीरो लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, थर्टी। और फिर जब आप फोर के आगे जीरो लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, फोर्टी। ये देखिए क्या बन जाएगा, 40। और जब आप 5 के आगे 0 लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, 50। वेरी गुड। अब आप क्या 50 बॉल्स है तो कितने आराम से काउंट कर लेंगे आप, है ना। अच्छा जनाब, अब 6 के आगे 0 लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, 60, ठीक है। और फिर उसके बाद 7 के आगे 0 लगा देंगे तो 70, ठीक है। और 8 के आगे 0 लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, 80। और फिर 9 के आगे 0 लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, 90, ठीक है। अब 90 के बाद देखें अब ये काउंटिंग कैसे चलेगी, ये तो 10 आ गए ना सारे। अब देखिए 11 कैसे बनाया था, जब यहां 10 में आप जब 1 प्लस करेंगे तो क्या हो गया, 1 यूनिट प्लस किया 11, फिर उसके बाद 10 में 2 यूनिट प्लस किया 12, फिर उसके बाद 3 प्लस किया तो क्या हो जाएगा ये 13, 10 में 4 यूनिट प्लस कर देंगे तो ये हो गया 14, और जब आप 10 में 5 यूनिट प्लस कर देंगे ये हो गया 15, और जब आप 6 यूनिट प्लस कर देंगे तो ये हो गया 16, और फिर उसके बाद जब आप इसमें 7 यूनिट प्लस कर देंगे ये हो गया 17, और फिर उसके बाद 17 के बाद क्या हो जाएगा, 18, और फिर क्या हो जाएगा, 19, और देखिए 19 के बाद आ जाएगा 20, 19 के बाद क्या आ जाएगा, 20, और फिर 21 किस तरह लिखेंगे। अच्छा अब देखिए जब 20 है यानी यहां पे 210 है, कितने 10 है यहां पे, 210 है, यानी 110। और फिर देखें अम्मी के पास जब 210 का एक नोट होता है और फिर दूसरा नोट होता है तो मिला के 20 होता है ना, यानी कि 220 के अंदर कितने 10 है, 210 है, और 30 के अंदर कितने 10 है, 310 है, और 40 के अंदर कितने 10 है, 410 है, ठीक है। अच्छा 50 के अंदर कितने 10 है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 10, 20, 30, 40, 50 10 है। और इसी तरह 60 में कितने 10 है, 60 के अंदर 6, 10 है, 60 में कितने 10 है, 6, 10 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और 70 में कितने 10 होंगे,
70 में होंगे 7, 10. वेरी गुड, बड़े प्यारे बच्चे हो गए, बहुत अकलमंद. 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये हो गया 70. और 80 में जल्दी से बताइए. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये हो गया 80. यानी 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 10. और 90 में कितने 10 होंगे? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये 90. यानी 110. इसमें कितने 10 है? 110. कितने 10 है? 110 है. ठीक है. और ये कितने 10 है? 210 है, तो इसे 20 लिखते हैं. 310 है, तो इसे इस तरह लिखते हैं. 4 10 होंगे तो वो 40 हो जाएगा, और 5 10 होंगे तो 50 हो जाएगा, 6 10 होंगे तो 60 हो जाएगा, और 7 10 होंगे तो 70 हो जाएगा, 8 10 होंगे तो 80 हो जाएगा, और 9 10 होंगे तो 90 हो जाएगा. अब 11 कैसे बनाया था? मैंने बताया ना, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. क्या था? 19. और 19 के बाद आपके पास क्या आती है? 20. अब फिर चलेगा 21, है ना, 21. फिर क्या होगा? 22. फिर उसके बाद 23. यानी 23 में 2, 10 और कितने यूनिट? 3 यूनिट. कितने यूनिट? 3 यूनिट. ठीक है. इसी तरीके से 23 के बाद अब 24. 24 में देखिए 2, 10 और 4 यूनिट. फिर उसके बाद 25 के अंदर क्या होगा? 2, 10 और 5 यूनिट. फिर उसके बाद 26 में क्या होगा? जल्दी से बताइए. 26 में 2, 10 और 6 यूनिट. और फिर उसके बाद 27 में क्या होगा? 2, 10 और 7 यूनिट. और 28 में क्या होगा? 2, 10 और 8 यूनिट. और फिर उसके बाद 29 में क्या होगा? 2, 10 और 9 यूनिट. और फिर जब हम यहाँ 29 कहते हैं, तो इसके बाद क्या आएगा? 30 में कितने 10 है? 1, 2, 3. और फिर जब 31 लिखेंगे, तो फिर वही बात है. 30 में 3, 10 और 1 यूनिट को जब मिलाएंगे तो क्या हो गया? 31. फिर 2 यूनिट मिलाएंगे 30 के अंदर तो क्या हो गया? 32. ठीक है. और फिर 3 यूनिट मिलाएंगे 33. और फिर 4 यूनिट मिलाएंगे तो 34. और फिर 5 यूनिट मिलाएंगे 35. और फिर 6 यूनिट मिलाएंगे तो 36. और फिर 7 यूनिट मिलाएंगे तो 37. और फिर 8 यूनिट मिलाएंगे 38. फिर 9 यूनिट मिलाएंगे 39. और 39 के बाद क्या आ जाएगा? 39 के बाद 40. ठीक है, सही. 39 के बाद क्या आ जाएगा? 40, क्योंकि 9 के बाद फिर 0 का फिगर आता है ना, तो आगे 40. 40 में देखिए कितने 10 है? 4, 10 है. अब 4, 10 में जब आप 1 यूनिट मिलाएंगे, फिर ये बन गया. क्या बन गया? 41. और फिर जब आप 2 यूनिट मिलाएंगे इसमें, 42. यानी अगर मैं कहूं 43 में जल्दी से बताइए कितने यूनिट, कितने 10 है, तो आप कहेंगे 1, 2, 3, 4. 4, 10 है और 3 यूनिट है. 4, 10 है और 3 यूनिट है. फिर इसके बाद ये हो गया आपका 40 और 43. फिर उसके बाद 4 मिलाएंगे तो क्या हो गया? 4, 10, 4 यूनिट. और फिर उसके बाद 5 यूनिट मिलाएंगे तो 4, 10, 5 यूनिट. और फिर 6 यूनिट मिलाएंगे 4 में तो 46. यानी 4, 10 और 6 यूनिट. और फिर उसके बाद 7 यूनिट मिलाएंगे तो क्या बन गया ये? 47. और 47 में 1, 2, 3, 4 4, 10 और 7 यूनिट. फिर 48, 8, 10 मिलाएंगे तो फिर
40 में जब 8 यूनिट मिलाएंगे तो ये हो गया 1 2 3 4, 4 10 और 8 यूनिट, 4 10 और 8 यूनिट, तो ये बन गया 48. 48 के बाद क्या आता है जल्दी से बताएं? 49, ठीक है, ये वाला 9 यूनिट यहां मिलाएंगे तो ये हो गया 49, और फिर 49 के बाद काउंटिंग आती है 50, फिर इसी तरह 50 को करेंगे, फिर इसी तरह 70 पे आ जाएंगे, 60 पे आ जाएंगे, फिर 70 पे, फिर 80 पे, फिर 90 पे. अब 90 को हम देखेंगे, जब 1 मिलाएंगे 90 के साथ तो इसमें 9 10 है, सब ये आप खुद कर लेंगे ना, तो माशाल्लाह आपको आ गया होगा, आप तो सारे बहुत ज़हीन और प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ठीक है. अच्छा, अब जब हमने 90 के अंदर 1 यूनिट मिलाया, ये बन गया 91, और फिर 90 में हमने 2 यूनिट मिलाया तो ये हो गया 92, और फिर 3 यूनिट मिलाया तो ये हो गया 93, और फिर ये हो गया 94, और फिर ये हो गया 95, और फिर ये हो गया 96, फिर ये हो गया 97, और फिर ये हो गया 98, और फिर ये हो गया 99. देखिए, ये देखिए 99 के बाद आपने देखा था, क्या देखा था? 9 के बाद हमेशा 10 आता है, यानी फिर 1 के साथ 0 मिल जाता है ना, यही देखा था ना. फिर जब आपने 11 12 13 14 15 16 17 18 19, फिर 9 के बाद फिर दोबारा फिगर चेंज हो जाती है, तो 1 के बाद क्या आ गया? 2, यानी 2 10, यानी 20 आ गया. फिर 21 22 23 24 25 26 27 28 29, फिर 9 के बाद फिगर चेंज हो जाएगी, 2 के बाद वाली आ जाएगी 3, ठीक है. अब फिर ये हो जाएगा 30, और फिर 30 के अंदर 1 लगाएंगे, 31 32 33 34 35 36 37 38 39, फिर 9 के बाद 10 की फिगर आती है, यानी अब इसके बाद वाला 4 आ जाएगा, तो ये हो गया 40, ठीक है. फिर इसके बाद इस तरह करते 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 आप कहां पहुंच गए? 99. अब ये देखिए, दोनों 99 है, तो फिर 9 के बाद कौन सी फिगर आती है? 9 के बाद तो हमने देखा था, 9 के बाद आती है 10 की फिगर. लेकिन जब दो 9 आ जाएंगे तो अब कौन सी फिगर आएगी? जब दो 9 आ जाएंगे, एक 9 आया था तो इसके बाद 10 की फिगर आई थी, लेकिन जब ये दो 9 एक साथ आ गए, यानी 99, तो इसके बाद हमेशा, जब दो 9 आ जाएंगे तो इसके बाद हमेशा 100 की फिगर आएगी. कौन सी फिगर आएगी? 100 की फिगर आएगी, और मैं अभी आपको बताती हूँ वो कैसी फिगर है. और आप ये देखिए, पहले गौर कीजिए कि जब हमारे पास ये यूनिट चले थे, ये सिंगल फिगर था, है ना, सिंगल फिगर है ना, और ये देखिए ये डबल फिगर है ना, यानी टेंस की फिगर हमेशा डबल होती है और यूनिट की फिगर हमेशा सिंगल होती है. वेरी गुड, बड़े अकलमंद बच्चे हैं माशाल्लाह. और 99 जब दो दफा 9 लिखा हुआ है तो उसके बाद हमेशा 100 की फिगर आती है. ये देखिए, ये आ गई 100. 100 में 10 10 होते हैं, 100 में 10 10 होते हैं. अब अपनी अम्मी से कहिएगा कि 100 रुपीज भी आपको दिखाएं, और फिर जब 100 रुपीज को हम चेंज करवाते हैं, यानी उसका खुला लेते हैं, तो 10 10 के कितने नोट आते हैं? अम्मी से कहिएगा कि मुझे गिन के बताएं, और हाथ में लेके देखिएगा कितने आते हैं उसके अंदर, ठीक है. अच्छा जनाब, अब हम ये लिखते हैं. तो ये जब 3 फिगर होगी, देखिए ये सिंगल फिगर थी, ये 2 फिगर थी, और ये 1 2 3. जब 3 फिगर्स होती है तो ये वाली फिगर जो होती है ये 100 की फिगर होती है. किसकी फिगर होती है? ये 100 की फिगर होती है. अभी मैं आपको इसकी भी काउंटिंग बताऊंगी, और आप तो हैं प्यारे बच्चे, बहुत जल्दी जल्दी सीखेंगे. 100 की स्पेलिंग तो आप सबको आती है ना, शाबाश. और जिनको नहीं आती वो फौरन यहां से याद कर लीजिएगा, ताकि जब आप मेरे पास आए और मैं आपसे पूछूं, आप फौरन मुझे बता दें, और फिर मैं आपको प्यार करूं, ठीक है. अब आ गया, यानी डबल 9 जहां पर आएगा, दो दफा जब 9 आएगा, ये 2 टाइम आया ना 9 हमारे पास, तो अब उसके बाद 3 फिगर्स आ जाते. अब 3 फिगर जो होती है उन्हें हम बोलते हैं 100. क्या बोलते हैं उसे हम? 100. क्या कहते हैं उसे हम? 100. अब अच्छा, 100 के बाद क्या काउंटिंग आती है? फिर वही आएगी, जब इसमें हम यूनिट प्लस करेंगे, 1 यूनिट प्लस करेंगे. अब देखिए, यहां नहीं प्लस होगा, यहां प्लस करेंगे,
समझ आ रही है बात? कहां प्लस करेंगे? यहां। तो ये बन जाएगा, जल्दी से पढ़िए, ये तो 100 है ना और ये सिर्फ 1 है, पढ़िए से क्या होगा, ये क्या बनेगा? 101, वेरी गुड। क्या बना, क्या बना? 101, क्या बना ये? 101। ये देखिए, ये जो रेड फिगर है ये 100 की फिगर है, और ये जो ग्रीन फिगर है ये यूनिट की फिगर है, और ये जो ब्लू फिगर है ये किसकी फिगर है? टेंस की फिगर है। ये देखिए 101। अब 102 कैसे लिखेंगे? ये देखिए 102, ठीक है, सही है। अच्छा, उसके बाद 103, 103, और फिर उसके बाद 104, 104, और 104 के बाद 105, और 105 के बाद 106, और 106 के बाद 107, 107, और 107 के बाद 108, 108, और 108 के बाद अब मुझे यहां से उतारना पड़ेगा, मेरे पास और कोई नंबर ही नहीं है। 100, अब क्या आ जाएगा ये? 109, ठीक है, 109, और जब 109 होगा तो 9 के बाद क्या आता है? 9 के बाद जल्दी से बताइए क्या आता है? 10, 9 के बाद क्या आता है? 10, 9 के बाद क्या आता है? 10, अब 10 कैसे लिखेंगे? अब मैं इसे बड़े कार्ड पे आपको दिखाती हूं, ये देखिए 110, कैसे लिखेंगे 110? ये देखिए, और ये रेड है, ये क्या हुआ? 100, और ये क्या हुआ? 10, 110. अब हम करते हैं 111, कैसे होगा 111? ये देखिए 111, और 112 कैसे होगा? कहां लगाऊंगी 2? जी, 0 के ऊपर, 10 में 2 मिलाएंगे तो 12 बनेगा ना। ये देखिए 100 तो वही चल रहा है, 100, 112, ठीक है। आप उसके बाद 113 कैसे बनेगा? 110 में जब आप 13 प्लस करेंगे, ये देखिए 113, ठीक है। उसके बाद 114, और फिर 110 में हुए 5 प्लस करें 15, और 115 के बाद अब कितने बच्चे होंगे जो जल्दी से बोल रहे होंगे, है ना? 116, ठीक है। 116 के बाद क्या होगा? 117, और 117 के बाद क्या होगा? 118, और 118 के बाद क्या होगा? 119,
और देखिए, फिर मैंने कहा था 9 के बाद फिगर चेंज हो जाती है, अब 19 के बाद इस, ये तो ऐसी ही चलेगी, क्योंकि जब तक 99 तक नहीं पहुंचेगा जब तक ये वाली चेंज नहीं होगी, है ना। तो आप बताइए 19 के बाद क्या आता है, कौन कौन अकलमंद बच्चा है जो मुझे बता देगा। 9 के बाद फिगर चेंज होगी, यानी ये 1 के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2। तो यानी अब ये नहीं होगा, अब ये आ जाएगा आपके पास, ये देखिए 120, क्या आ गया 120। अब फिर इसमें 1 प्लस कीजिए 20 में, 121।